हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता है, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है नोइंग योर नंबर्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि गिव अ रफ एस्टिमेट, ठीक है, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, मतलब जो 100 के नियरेस्ट हो, या फिर ठीक है, एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेटेड राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस, मतलब जो टेंस प्लेस है, ठीक है, उसका अगर नियरेस्ट पूछा तो उसका, या फिर 100 का पूछा तो 100 का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, देखिए तो ये हो जाएगा 439 राउंड, ये हो जाएगा 400। फिर 400 होगा ना, देखो बेटा 450 तो है नहीं। देखिए यहां पर, अगर यहां पर देखो, यहां पर 1, 2, 3, 4 तक आता तो हम 400 करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा तो हम 500 कर देंगे, मतलब 440 तक हम 400 कर देंगे, 450, 60, 70, 80, 90 ये कुछ भी होगा, या इनके बीच में भी कोई डिजिट होगी, ठीक है, कोई नंबर होगा तो उसको भी हम 500 में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 400 एंड 34 राउंडिंग ऑफ टू किस में जाएगा बेटा, ये 334 किस में जाएगा, 300। ठीक है, नेक्स्ट 431, देखिए 4314 है। ठीक है, ये किस में जाएगा, देखो यहां पर 100 प्लेस जो है वो देखी जाएगी। देखिए यहां पर क्या है, 3 है, ठीक है, तो 4317 है। तो यहां पर देखो, अगर इसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर है 1 है, ठीक है, 2, 3, 4 तक क्या आएगा, 300 बदल जाएगा, लेकिन यहां पर 5, 6, 7, 8 आता तो, 9 आता तो आगे बढ़ता, राउंडिंग ऑफ क्या बनेगा बेटा, राउंडिंग ऑफ टू 4300। ठीक है, 4300, देखिए 0000 आ गया, 0000 आ गया, ठीक है, एंड 3, 3, 6 एंड 4, ठीक है, 10, 0, 1, ठीक है, 4, 1, 5, ठीक है, 5000, ये क्या हो गया, एस्टिमेट सम आ गया, क्या बेटे, एस्टिमेट सम आ गया। ठीक, अब देखो बेटा इसे नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है 1,08,737, क्या 1,08,737, यहां पर एक बात बहुत नोट करने वाली है, नोट कर लेना उस बात को। देखो बेटा क्या नोट करना है कि देखो हमसे क्या पूछा, नियरेस्ट 100, मतलब हमारे पास जो अगर नोट है तो वो 100 के, तो नियरेस्ट 100 मतलब ये देखने हैं कि 737 है ना, तो ये वाला डिजिट देखेंगे 1, 2, 3, 4 तक, तो 700 कर देंगे। ठीक है, एंड 5, 6, 7, 8, 9 होता तो 800 कर देते, लेकिन अगर वो नियरेस्ट 1000 पूछता, 1,08,737 ना, देखो बेटा अगर 1000 के नोट होते तो 1,07,000, ठीक है, 8,737 है ना, तो 8,000 है और 7, यहां पर अगर 1, 2, 3, 4 होता तो 1,08,000 हो जाता, 5, 6, 7, 8, 9 होता तो 9,000 हो जाता, क्या हो जाता, 9,000। लेकिन हमें निकालना क्या, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ये बात कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि नियरेस्ट 100 पूछ रहा है बेटा, तो नियरेस्ट 100 पूछ रहा है तो क्या करना है कि ठीक है, 1 टेंस 100 यहां तक देखना है, तो ये 3 है तो ये होगा
10877 ठीक है 737 only off to ठीक है ये किस में जाएगा बेटा 108700 क्यों क्योंकि 37 है ठीक है 37 49 तक यहां था उसके आगे अब देखो यहां पर कितना है 47,599 ठीक है अब ये बात आप बताओ कि कितना होगा बताओ 47,599 है कितना होगा बताओ हाँ क्या बात कर रहे हो भाई ये 500 कैसे हो जाएगा ये होगा 600 क्यों क्योंकि 9 है 1 2 3 4 होता तो ये 500 होता लेकिन 9 है ठीक है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा ये होगा 47,600 ठीक है सो एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे क्या निकालेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे बेटा जी कैसे निकालेंगे देखो 0 0 7 6 गया 1 8 में 7 गया 1 10 में से 4 गया 6 ठीक है 61,100 ठीक है क्या आया 61,100 नोट कर लिया समझ में आ गया आगे चले देखो बेटा अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट ठीक है तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि 8,325 देखो अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ टू ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा 8,325 किसमें होगा बताओ किसमें होगा ये होगा 8,300 भाई 100 रुपीज के नोट है ये समझ में चलो कुछ ज्यादा बोलता ही नहीं ठीक है तो उसमें क्या है अप्रोक्स में 8,300 लगभग उतना ठीक है अब 491 ठीक है राउंड ऑफ टू ठीक है ये कितना होगा बेटा 491 है ठीक है 491 रुपए लगभग कितने के 500 रुपए ठीक है तो एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है बेटा इसमें क्या है माइनस करना है ना तो एस्टिमेटेड डिफरेंस देखो बेटा ठीक है ये कितना आएगा देखो 0 0 ठीक है ये कितना आया 8 क्यों देखो 13 हो गया 13 में से 5 गए 8 आया यहां कितना है 7 ठीक है 7,800 ठीक कोई दिक्कत नहीं आगे देखो इसका फोर्थ पार्ट और देखो ठीक देखो ये है 489,000 ठीक है 348 ठीक है हमें 100 तक ही देखना है हमें आगे कितना भी उसको कोई मतलब नहीं है तो राउंड ऑफ टू ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा ये होगा 489,300 क्यों यह 5 से कम है बेटा ध्यान रखना यहां पर ये 5 से कम है थोड़ा क्लोज लिखे तो उसको यहां पर लिखो 489,000 ठीक है 300 अगर यहां पर 5 आ जाता ठीक है तो ये 400 हो जाता सिर्फ दो नंबर ठीक है 2 रुपए और होते 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है बेटा ठीक है तो ये हो गया दूसरा है 48,365 राउंड ऑफ टू
ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? 48,000, ठीक है, 365 है, 65 बेटा, 500 पर तो ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में जाएगा? 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी हमें बेटा डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है, देखो 0 0, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, अब यहां कितना 8 8, 8 में से 8 गया 0, यहां कितना बचा 8 में से 4 गया 4 एंड 4, ठीक है, तो कितना आया 4,40,900, ठीक है, 4,40,900 इज है एस्टिमेटेड डिफरेंस बेटा, एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है। अब अगर ये चारों पार्ट आपको समझ में आया हो, इसमें से किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर चारों पार्ट समझ में आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।